दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां पर चौथा T20 सीरीज में आया फखर जमा का तूफान। फखर जमा अपना बल्ले से जड़ दिया दौरशतक, तो क्या है पूरा हाईलाइट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच, बताइए पूरा खबर आपके इस वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी पाकिस्तान टीम का एक जबरा फैन है तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दो, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच जो यहाँ पर चौथा T20 सीरीज में पहले ऑस्ट्रेलिया टीम टॉस जीत के यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी एज ए मैदान पर उतरा, जहाँ पर बाबर आजम यहाँ पर शानदार पहले तो बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन कुछ देर जाते ना जाते यहाँ पर आउट होकर पवेलियन लौट गया, जहाँ पर बाबर आजम ने 10 रन बना के आउट होकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद 3 नंबर में आया फखर जमा, जहाँ पर फखर जमा और मोहम्मद रिजवान का एक अच्छा जोड़ी बन गया था यहाँ पर। लेकिन दोस्तों जब मोहम्मद रिजवान आउट हो गया तब ये जोड़ी टूट गया, जहाँ पर मोहम्मद रिजवान 18 रन बना के आउट होकर पवेलियन लौटा। वहाँ पर फखर जमा ने अपना पारी पर शानदार पारी खेलते हुए 95 गेंदों में यहाँ पर 210 रनों की एक शानदार पारी खेला। जहाँ तक आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो, चौका छक्का का कर रहा था बारिश और शानदार 200 की स्ट्राइक रेट से कर रहा था बल्लेबाजी। दोस्तों जहाँ पर टीम पाकिस्तान अपना यहाँ पर 275 रन बनाया 10 विकेट का नुकसान पर, जिसके बाद दूसरी पारी पर ऑस्ट्रेलिया टीम का तरफ से मैदान पर आया ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, जहाँ पर ट्रेविस हेड ने यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी किया, लेकिन यहाँ पर डेविड वार्नर ने बस 8 रन बना के आउट होकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद ट्रेविस हेड ने अपना पारी पर 91 गेंदों में 125 रनों की सेंचुरी पारी खेला, चौका छक्का कर रहा था। ये भी बारिश ट्रेविस हेड का बल्लेबाजी बहुत ही धुआंधार था, लेकिन यहाँ पर बस 222 रन ही बना पाया ऑस्ट्रेलिया टीम का बल्लेबाजों ने 10 विकेट का नुकसान पर 19 ओवर में। दोस्तों जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, सर्वाधिक पाकिस्तान टीम की तरफ से विकेट लिया शाहिद अफरीदी ने 3 विकेट चटकाया है, साथ ही मोहम्मद अमीन ने अपना खाते पर 3 विकेट लिया है, साथ ही नसीम शाह ने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सफलता मिला 4 विकेट लिया है खिलाड़ी। तो दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 हाईलाइट मैच को लेकर आप बंधु की क्या राय, अपना राय जरूर बताएं। आगे भी क्रिकेट से जुड़ी सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वो मूल्य समय देने के लिए।